पंजाब के लुधियाना में 100 करोड़ की लागत से एक डिजिटल जेल बनने जा रहा है। उस जेल की खासियत ये होगी कि जेल के अंदर ही अदालत लगेगी और वहीं कैदियों की पेशी भी होगी। और क्या क्या खासियतें होंगी इस डिजिटल जेल की, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, लुधियाना में बनेगा डिजिटल जेल। 50 एकड़ जमीन पर होगा निर्माण। जेल के अंदर होगी अपराधियों की पेशी। जेल सुरक्षा में पंजाब बनेगा नंबर वन। पंजाब की जेलों को अभेद्य बनाने और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पिछले सवा साल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई बड़े फैसले लिए हैं। फिर चाहे पंजाब की मौजूदा जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाने की बात हो या फिर राज्य की जेलों को हाईटेक बनाने की पहल, सीएम भगवंत मान ने सुरक्षा से जुड़े जरूरी मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता दी। इसी कड़ी में सीएम भगवंत मान ने एक और बड़ा ऐलान किया है। सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि राज्य के हार्डकोर क्रिमिनल्स को रखने के लिए लुधियाना में जल्दी डिजिटल जेल बनाई जाएगी। करीब 50 एकड़ में उच्च सुरक्षा वाली वो डिजिटल जेल कई मायनों में खास होगी और इसके निर्माण पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वसी 100 करोड़ रुपया केंद्र सरकार गृह मंत्रालय तो असी मंजूर करा लिया। लुधियाने के नेड़े गोरसिया कदर बख्श पिंड है, 50 एकड़ जमीन असी पंचायत तो लीज ते लई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर के लट्ठा कोठी में डिजिटल जेल बनाने के ऐलान करने से ठीक पहले ट्रेनिंग पूरी करने वाले 217 जेल वार्डन को नियुक्ति पत्र भी दिया और कहा कि लुधियाना में बनाए जाने वाला डिजिटल जेल कई मायने में बेहद खास होगा, क्योंकि एक तरफ तो इस जेल में हार्डकोर अपराधियों को रखा जाएगा तो वहीं जेल के अंदर ही इन अपराधियों की पेशी के लिए एक कोर्ट भी बनाई जाएगी जहां डिजिटल जेल के अंदर ही अपराधियों की कोर्ट में पेशी होगी। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में हार्डकोर कैदियों को एक जेल से निकालकर अदालत तक ले जाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में कई बार कैदी भाग जाते हैं, लेकिन लुधियाना में बनने वाला हाई सिक्योरिटी जेल इस समस्या का स्थायी समाधान देने में कारगर साबित होगा। एक हाई सिक्योरिटी डिजिटल जेल बनावांगे, उहदे विच ग्राउंड फ्लोर ते कोर्ट होगी, जजां दे बैठण लई जगह होगी, जजां दे कैबिन होणगे उहनां दे बैठण लई और उहनां दे कमरा होगा, उत्थे उपर सारा कैदियां वास्ते होगा। उत्थे जिहड़े बहुत ज्यादा समाज लई खतरनाक ने, हार्ड कोर कहते हैं जिन्होंने, उन्होंने अपराधियों को उत्थे रखा जाऊगा ताकि जेल चो अदालत तक, अदालतों जेल तक लैके जाने वेले पेशी वेले जो घटनावां होंदियां ने, जां कोई मोबाइल फड़ा दिंदा, कोई भाजी जांदा, वो घटनावां ना हो सकन। जज साहब उत्थे आया करनगे, उत्थे ही जिहड़ी उहनूं जिस 14 दिन की वधाउणी है, 6 महीने की वधाउणी, उहदी पेशी उत्थे ही पै जाया करूगी, बाहर जाने की लोड़ नहीं पैणी। जानकारी के मुताबिक लुधियाना में बनने वाले डिजिटल जेल में 2 फ्लोर होंगे जिसमें पहले फ्लोर पर कैदी रहेंगे जबकि निचले फ्लोर पर जज के ऑफिस और कोर्ट होंगे जहां पेशी के दौरान संबंधित जज जेल के अंदर बने चैम्बर में आएंगे और केस की सुनवाई करेंगे। इस नई व्यवस्था में कैदी को जेल से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं होगी और जेल प्रशासन के सामने कैदियों की सुरक्षा का मसला नहीं आएगा। सीएम भगवंत मान ने बताया कि सरकार ने नए बनने वाले डिजिटल जेल के लिए लुधियाना को इसलिए चुना है क्योंकि पंजाब के किसी हिस्से से लुधियाना पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, ऐसे में जज साहब आसानी से जेल आकर सुनवाई कर सकते हैं और जेल प्रशासन के सामने कैदियों की सुरक्षा को लेकर चुनौती भी नहीं आएगी। आजकल बहुत सारा साइबर क्राइम बढ़ गया, स्वसी भी अपडेट रहना, गूगल नाल गल चल रही है। मैं जो गया सीगा बेंगलोर तो गूगल दे जेड़े इंडिया दे हेड सीगे, उन्हां दे अधिकारी जेड़े आए सीगे, उन्होंने सानू कहा कि असी पंजाब पुलिस नू बिल्कुल अपडेट कर देंगे और इस तरह की टेक्नोलॉजी लावांगे कि जे कोई फोन करूगा एमरजेंसी ते, जेड़ी उहदे सब तो नेड़े वाली गड्डी है जां मोटरसाइकिल है उहदे च फोन भेजूगा वह ताकि वह छेती पहुंच सके। बेशक पंजाब की जेलों को सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में लुधियाना में बनने वाला डिजिटल जेल एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा, उस पर सीएम भगवंत मान
जिस तरह से पंजाब पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं, जाहिर है आने वाले दिनों में पंजाब जेल सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देश के बाकी राज्यों से कई कदम आगे होगा। अमित पांडे, न्यूज 24।